मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में अप्रैल में खेलो इंडिया के तहत आयोजित होने वाले जल क्रीड़ा नेशनल गेम्स की तैयारियों के संबंधित अधिकारियों की बैठक सकुशल संपन्न हुई, जिसके संबंध में क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर ने बताया कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन गोरखपुर में किया जाएगा और रामगढ़ ताल में रोइंग का इवेंट होगा, जो कि बहुत बड़ा इवेंट है, जो कि पहली बार रामगढ़ ताल में होने जा रहा है, जिसमें 384 खिलाड़ी और 139 ऑफिसर आएंगे। अभी तारीख क्लियर नहीं हुई है जिसकी तैयारी की समीक्षा की गई है। उन्होंने कहा, इसमें 500 खिलाड़ी भाग लेंगे, सभी खिलाड़ियों के रहने खाने और पीने की पूरी व्यवस्था रहेगी। इस अवसर पर सीडीओ संजय कुमार मीना, एसडीएम सदर नेहा बंधु सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर ने कहा, रूम्स, डॉर्मेटरीज, ये सब बहुत इतने बड़े होटल्स हैं, वो सब दे अर्न देयर मनी इन दैट पीरियड ओनली, ठीक है, वो उनके लिए भी दिक्कत हो जाएगा। डेट क्या होगी फिर? पता कि आप वीसी जीडीए और सीईओ गीडा एंड सीडीओ साहब को भी इसे, ठीक है, जो भी हम लोग मदद कर सकते हैं, ठीक है, करा दे, ठीक है, वहाँ छोटा मोटा जो भी व्यवस्था रामगढ़ ताल के आसपास में जरूरत पड़ेगा इसको वो व्यवस्था करवा देंगे। लखनऊ में तो सर ने निर्देश दिया था कि वहाँ पर ओपनिंग के समय पर और जिसमें क्लोजिंग पर स्कूल के बच्चों को आमंत्रित किया जाए, स्कूलों को आमंत्रित किया जाए ताकि वहाँ भीड़ भाड़ रहे। नहीं, वो तो हो जाएगा, वो तो सर लोग स्टार्टिंग प्लेटफॉर्म के लिए भी, जैसे स्टार्टिंग किस तरीके से बनेगा ये थोड़ा आप देख लो, ठीक है, आप लोग किस तरीके से देंगे वहाँ पे। तो आज के दिन में मुझे नहीं लगता है कोई ऐसे जगह है जहाँ से वो जहाँ शुरुआत होता है, जहाँ पे लोग फाइबर वोट खड़ा करके, जी जी कोई है उधर ही पार्ट लेना पड़ेगा सर, जो प्लेटफॉर्म हमें बनाना, प्लेटफॉर्म उसको बड़ा बनाना पड़ेगा सर, ठीक है, कितना एक एक चीज में कितना चलेंगे लोग, फोर लेन होता है, फोर लेन का तो बनाना पड़ेगा, दो डिवाइडर प्लान हो जी, प्लान करना पड़ेगा, उसमें उसमें एक इंटरेस्ट जगाने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो इट विल बी गुड थिंग, एनी अदर इशू? बस सर ये और जो समितियां बननी है, आवास समिति, यातायात समिति, चिकित्सा टेक्निकल समिति, टेक्निकल समिति में मैं चाहूँगा कि कमिटीज बनाना है, वो सब बना करके एक अप्रॉक्सीमेटली उस पीरियड में प्लान करो 800-900 कमरे के लिए, फिर आपको 500 कमरे मिल पाएगा, ठीक है। तो सभी सवाल है, एक तो गर्मी के समय और दूसरा पहले से ही बुकिंग रहता है, बहुत होटल्स देना भी नहीं चाहते, बाई चांस उस पीरियड में कोई, क्योंकि एक दिन का है तो कोई भी दे देगा, 6 दिन के लिए है, बाई चांस उस पीरियड में शादी का है तो आज की जो बैठक है ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन यहाँ गोरखपुर में किया जा रहा है, रामगढ़ ताल में रोइंग का इवेंट होगा और एक बहुत बड़ा इवेंट है, फर्स्ट टाइम यहाँ होने जा रहा है रामगढ़ ताल में, इसमें लगभग 384 खिलाड़ी और 139 ऑफिशल्स इसमें यहाँ आएंगे और अप्रैल के 3rd और 4th वीक में इसके टेंटेटिव डेट्स हैं, अभी डेट फाइनल नहीं है, उसकी समीक्षा की तैयारी के लिए आज कमिश्नर सर ने इस बैठक का यहाँ ली है सभी अधिकारियों और स्विमिंग के एक्सपर्ट्स के साथ में, स्विमिंग संघ के पदाधिकारी भी, रोइंग के, NDRF सब के साथ में एक बैठक की गई ताकि तैयारियों की समीक्षा की जा सके और इस तरह से बैठकें अब जैसे धीरे धीरे समय आगे बढ़ेगा तो बैठकों का आयोजन होगा ताकि एक अच्छा आयोजन यहाँ गोरखपुर के अंदर किया जा सके। कब तक ये अप्रैल के 3rd या 4th वीक में इसका आयोजन प्रपोज है।